हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बाबू थापा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट इन 100 डेज। जी हां गाइस, तो आज है हमारा 43rd डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे। सबसे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस चैलेंजेस को चेकआउट नहीं किया तो गाइस प्लीज कर लीजिएगा, आप लोग बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड रही बात दूसरी गाइस, अभी तक हमारा वर्ल्ड पे जावास्क्रिप्ट कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो इसको भी कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अगर गाइस आप देख सकते हो कि कल के जो दो तीन वीडियोस थे वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन, करेंसी कन्वर्टर, बार चार्ट जनरेट करना, किसी पर्सन का एज फाइंड आउट करना, बहुत ऑसम था। आज का जो वीडियो वो थोड़ा सा इनके मुकाबले सिंपल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस की ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। इवन इन हैकर रैंक, लीड कोड, बाकी कोर्स, मतलब जितने भी आप कह लो, मोस्टली फीस बज चैलेंज क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये क्या है, देख लीजिए। सो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, यू नो, राइट अ फंक्शन फीजबस दैट एक्सेप्ट टू नंबर्स। हालांकि इन रियलिटी इट विल ओनली एक्सेप्ट वन नंबर, तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता हूं मैं, जहां पे इंस्टेड ऑफ ओनली वन पैरामीटर वी विल गेट, आई मीन वी विल टेक टू पैरामीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर दिए। क्यों मैं बताता हूँ, जैसे देखिए, सो वी विल एक्सेप्ट टू नंबर्स, स्टार्टिंग नंबर एंड देन एंडिंग नंबर एज इनपुट। The functions would return an array containing numbers and specific string based on the following rules. तो ये rules बहुत ही ज्यादा important है। सबसे पहला rule क्या बोलता है, हमने ये दो number pass किए, one is our starting number, another one is our ending number। तो अगर हम starting number से ending number की बात करते हैं तो इनके बीच में जो भी numbers आता है उसको हमें print करना है। जैसे एक है and then 15, तो it will be like 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आपका वो 15 तक जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, if I basically जो भी हमारे नंबर से 1 से लेके 15 के बीच में, if they are divisible by both 3 and then 5 include fizzbuzz, जैसे यहाँ पे बताया, 1 से लेके 15 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो लाइक 3 से भी डिवाइड होता हो एंड देन 5 से भी डिवाइड होता हो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो वहां पे हमें गाइस वो पर्टिकुलर नंबर ना लिख के हमें उसको fizzbuzz लिखना होगा। उसी तरीके से कोई भी नंबर अगर वो 3 से डिवाइड होता हो देन हमें fizz लिखना होगा। कोई नंबर जो 5 से डिवाइड होता है हमें उसको फज लिखना होगा। तो 3 से डिवाइड है तो फीज, 5 से डिवाइड है तो बज, एंड देन दोनों 3 एंड 5 से डिवाइड होता है देन फीज बज आपको लिखना है। एंड अगर इन तीनों में से कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता देन आपको सिंपली वो जो नंबर उसको इंक्लूड करना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो आप, ये जो आउटपुट आया हुआ है लाइक 1 से लेके 15 है, तो हमें एक एरे में हमारा आउटपुट आएगा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेके कम से कम 15 तक है। अब जैसे ये जो 3 है, यहाँ पे इसलिए 3 होना चाहिए था लेकिन हमने 3 ना लिख के हमने फीस लिखा, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है उस पर वो फुलफिल हो गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, सिंपल। देन उसी तरीके से 4 एज इट इज है, वी हैव अ बज। अब ये बज क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गया। दैट इज कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता तो वहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 या 10 या 15 आपको बज लिखना होगा। 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता तो यहाँ पे आपका फीज आ गया, बज आ गया अगेन बिकॉज ये 10 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, बाकी सब चलता जाएगा। सिर्फ एक है जिसमें हमें फीज बज दिखाई दे रहा है, लाइक सिर्फ एक वैल्यू है जिसमें मुझे फीज बज दिखाई दे रहा है, वो क्या है, 14 के बाद क्या आता है, इट्स अ 15, क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जो गाइस 3 और एंड देन 5 दोनों से डिवाइड होती है। एंड दोनों से डिवाइड हुआ तो अब आपको वहां पे 15 ना लिख के या 30 ना लिख के आपको फीज बज लिखना होगा। एंड इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम भी बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट। स्टार्ट करना है एक स्टार्टिंग नंबर से लेकर जो भी आपका एंड नंबर है वहां तक आपको पहुंचना होगा, एंड देन उसमें आपको ये चेक करना है क्या वो जो नंबर है 3 से डिवाइड होता है एंड क्या वो 5 से डिवाइड होता है। तो देखो ना, अगर ऐसा होता है यस, देन गाइस आपको प्रिंट करना है फीज बज, आपका काम खत्म। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, नहीं होता है, तब हम एक और कंडीशन चेक करेंगे क्या वो जो नंबर है 3 से डिवाइड होता है। अगर होता है यस, देन गाइस हम प्रिंट करेंगे फीस। अगर ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है देन हमारे पास एक और कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, दैट इज क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 से डिवाइड होता तो यू नीड टू प्रिंट बज, एल्स यू नीड टू प्रिंट अ नंबर, तो एंड हमारा ये हो जाएगा। तो कितनी इजी हो जाता है इस तरीके से कोई भी एक फ्लो चार्ट या डायग्राम से समझना, राइट? एंड इफ यू वॉन्ट मोर लाइक इस तरीके का जो डायग्राम्स है चार्ट से मैं अगर इंक्लूड करूँ अपने इस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा टारगेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 लाइक्स, सिर्फ 500, बस एक लाइक ही तो करना है। एंड बाय द वे, इंटीरियर अगर आपको चेक करना है घर का तो प्लीज 500 लाइक्स अगेन। ऑलराइट,
गाइस आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुका है। नाउ इट्स योर चांस टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड बिलीव मी ये सिंपल है। ठीक है देखो कैसे कॉन्स्ट वी हैव अ फिश बज। ठीक है अब आपको आंसर तो आयरन में चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे एक छूट गया और आई थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले वी हैव दिस स्टार्टिंग नंबर एंड देन एंडिंग नंबर, तो इट्स एस नंबर मतलब स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर, तो ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है इट्स टोटली अप टू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। चलो ठीक है सो मैं चल देता हूँ स्टार्टिंग नंबर एंड देन एंडिंग नंबर पे। तो सबसे पहले तो गाइस आपको किसी तरीके से जो स्टार्टिंग नंबर है एंड देन जो एंडिंग नंबर उसका प्रिंट करना पड़ेगा ना नंबर। हम वाइल लूप लगा सकते हैं क्योंकि लूप लगाना ही पड़ेगा, तो आप वाइल लगाओ फॉर लूप लगाओ आपकी मर्जी आपको जो लगाना है। बट लेट्स गो विद फॉर लूप जहां पे मैं बोल देता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, मैं वन नहीं लिख सकता, अगर मेरा ट्रेडिशनल फिजिक्स होता तो मैं वन करता, बट मेरे को एक स्टार्टिंग नंबर मिली हुई है, स्टार्टिंग नंबर होगा मेरा जो वो आई की वैल्यू है कब तक चलनी चाहिए, जब तक वो इक्वल टू ना हो जाए मेरे एंडिंग नंबर के, एंडिंग नंबर के बराबर या इक्वल टू ना हो जाए, एंड देन आई प्लस प्लस दिस इज इट। अगर इतना भी मैं करता हूँ है ना, अगर इतना मैं करता हूँ एंड देन ये जो आई उसको मैं प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग में, तब आप देखोगे कि मुझे बराबर ये देखो एक से लेके है ना एक से लेके मुझे यहाँ तक आ चुका है 15 एंड देन मुझे अनडिफाइंड आया बिकॉज हम यहाँ पे कंसोल करा रहे थे एंड फिर मुझे 12 से लेके 20 तक आया बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। तो मेरा काम हो गया, अब बस किसी तरीके से मुझे देखना कि ये जो मेरे नंबर्स है इसमें से ऐसे कौन से नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, कौन से ऐसे नंबर है जो वो 3 एंड 5 से डिवाइड होते हो। ठीक है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा, देखो कैसे इसको मैं हटाता हूँ। इफ अगर कोई भी नंबर है आई बेसिकली कोई भी नंबर हो ये आई वाला, अगर वो डिवाइड करता हूँ 3 से ट्रिपल इक्वल टू अगर वो 0 होता है एंड ऑपरेटर लगाना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, एंड अगर वो 5 से डिवाइड करने पे भी अगर वो 0 होता है, समझ रहे हो, इट मीन्स कि गाइस ये हमारा कौन सा नंबर होने वाला है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे गाइस मुझे किसी तरीके से 15 के बदले या ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है उसके बदले उस नंबर के बदले ये पर्टिकुलर फीस बस वाला जो वर्ड है ये मुझे इंक्लूड करना है। बट मैं कैसे इंक्लूड करूँ, कहाँ इंक्लूड करूँ, समझ रहे हो। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें जो आउटपुट आ रहा है क्या है, एक एरे, एरे में अब आपको एक वैल्यू जो है उसको अपडेट करनी है, समझ रहे हो, एरे में आपको वैल्यू अपडेट करनी है या ऐड करनी है ऐसे आप समझ जाइए। जब बात आती है एरे की एंड जब बात आ रही है उसमें अपडेट या ऐड करने की कोई भी वैल्यू, तब आपको ये सोचना है कि अब एरे में कोई ऐसी मेथड है कि जिसके चलते मैं कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकूं। तो उसके लिए गाइस अभी भी अगर आपको नहीं आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूं एंड एरे में ऐसा कुछ है भी या नहीं, देन आई हाईली रिकमेंड ये जो मेरा पार्ट वन है वर्ल्ड वाइड जावास्क्रिप्ट कोर्स का, इसमें एरे वाला जो चैप्टर्स उस पर जाके ये जो अपडेट है ना वो वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए, ऐड एंड रिमूव वाला, आपको पता चल जाएगा। ठीक है हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, मैं यहाँ पे एक लेट एक एरे बना लेता हूँ सिंपल सा, एक एम्प्टी एरे। ठीक है अब जो भी वैल्यू होगा मुझे इस पे पुश करना है, अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा ARR.push लिख दिया बात खत्म, एंड वो आई की वैल्यू बेसिकली मुझे वहां पे डालना था, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई की वैल्यू व्हाट आई विल डू, मैं पुश कर दूंगा वो वैल्यू दैट इज योर फिश बस दिस इज इट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम ये वाली जो वैल्यू है उसको वहां पे पुश कर दे रहे, बेसिकली ऐड कर दे रहे। अब उसी तरीके से एल्स इफ, अब खाली ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगर ये ट्रू होती है देन फिर से यही कॉपी पेस्ट, बट इंस्टेड ऑफ फिश बस आई विल ओनली ऐड बेसिकली पुश फीस, फिर से इसे कोई कॉपी करना है, फिर पेस्ट, अभी 3 के बदले 5 जाएगा, यहाँ पे फीस के बदले फंस जाएगा, सिंपल। अब रही सिर्फ एक चीज राइट, तो कुछ नहीं वहां पे कुछ भी नहीं, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो जो नंबर है वो एज इट इज जाएगा एंड दैट इज योर नंबर। तो ये 1 एज इट इज प्रिंट होगा, 2 एज इट इज प्रिंट होगा, 3 आते ही देखेगा ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बट ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स उसके बदले फीस आ जाएगा। फिर वापस 4 की जब वैल्यू आएगी तो कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, 4 एज इट इज प्रिंट होगा। देन जब बात आती है 5 की तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ना ही वो 3 से डिवाइड होता, बट हाँ 5 जो है वो 5 से जरूर डिवाइड होता है, रिमाइंडर हमें 0 मिलती है, तब उसके बदले वहां पे फज आ जाएगा। इस तरीके से हम एक एरे बना रहे जिसमें एक एक डेटा पुश करते जा रहे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है तो बस
मैंने जानबूझ के आज इस वीडियो को रखा क्योंकि ये अगर आगे जाके मुझे याद आता फेस बज तो वो उस समय थोड़ा देर हो जाता, बट अभी भी एकदम सही है। एटलीस्ट आपको पुश मेथड का फायदा तो पता चला, राइट? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? आई गेस यार दिस वन, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे भी क्या चलना, वो तो सिंपल इसको रन करना है मुझे, राइट? इसको मैं हटा रहा हूँ एंड देन रन करता हूँ। अब आप देखोगे मुझे दोनों के दोनों अनडिफाइंड आ रहे। द रीजन आई एम गेटिंग अनडिफाइंड इज सिंपली बिकॉज हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। वी नीड टू रिटर्न बिकॉज जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो हमें डेटा रिटर्न करना पड़ता है। बट अब हमारे केस में हम क्या रिटर्न करें, हम क्या आई को रिटर्न करें, क्या रिटर्न करेंगे? ऑब्वियसली हम ये हमारा जो एरे है उसको हमें रिटर्न करना है। एट द एंड में वी विल रिटर्न आवर एरे, दिस इज इट। आपको बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लिखना, यू नीड टू सिंपली रिटर्न एन एरे जिसमें ऑलरेडी डेटा पुश हो चुका है। सो 3-1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा काम हो गया कितनी इजीली, लाइक 1, 2 फीस 4 बज फीस 7, 8 फीस बज 11 फीस 13, 14 एंड देन फीस बज। यही तो मुझे चाहिए था, राइट? फीस 13, 14 नहीं, देखो ना बराबर फीस बज, मतलब हो गया मेरा काम। इवन ये दूसरे वाले का भी मेरा काम हो गया। तो गाइस एक्चुअल में जो फीस बज उसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है जहां पे ऑलवेज हमारा जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती, वन से स्टार्ट होती। बट मुझे लगा यार कभी तो मेरा मन करेगा ना कि भाई मुझे 33 से लेके 43 तक देखना है। अब इस केस में क्या होता ना, अगर आप ट्रेडिशनल फीस बज यूज करते तो आपका ये वैल्यू सिर्फ 43 होता, मतलब 1 से लेके 43 तक प्रिंट कराओ भाई। लेकिन मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो खाली 33 से 43 चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने इसको मॉडिफाई करके एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दी। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो मुझे 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एंड देन 43, तो इतना कुछ मुझे मिल रहा है गाइस। 38, 39, 40 आप देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा औसम है, कि जिससे हमें पता चलता है कि फीस बज वाला जो ये सोल्यूशन है तो ये सिंपल, लेकिन बहुतों को यू नो ये ARR.post ये वाले जगह पे आके वो अटक जाएंगे, उनको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करूं यहाँ पे। एंड एक और चीज है, कभी भी आप जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, मैंने तो यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज किए, यू नो जस्ट गो विथ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, दैट इज नथिंग बट योर ट्रिपल इक्वल टू, जो कि एकदम डेटा टाइप के साथ भी वो आपका चेक करेगा फिर। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने कहा ना क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वंस आप क्वेश्चन समझ जाते हो देन देखो डायग्राम में तो पूरा क्लियर ही था, डायग्राम में तो पूरा क्लियर ही था ना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस ऐसे डायग्राम आप अगर आपको चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपको जो मजा आता है। एंड प्लीज ये जो प्रीवियस चैलेंजेस है जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए ही है। रिएक्ट सीरीज अब बहुत जल्द आने वाला है, अब ज्यादा देर बाकी नहीं, बहुत जल्द आने वाला है। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा एंड मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।